अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नायला राशिद किचन एंड व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, पिज़्ज़ा बन रहा है। और ये पिज़्ज़ा की रेसिपी भी आप लोगों को बहुत बार दे चुकी हूँ, तो इसमें कोई नई ऐसी चीज़ नहीं है। सिर्फ जो है वो नई चीज़ ये है कि ये चूँकि मैं फ्लोरिडा आई हूँ बेटी के पास, तो ये वहाँ पर बन रहा है। तो बाकी जो है वो रेसिपी बिल्कुल वैसी ही है। आप लोग मेरी पुरानी रेसिपी भी देख सकते हैं। इसके अलावा डो मैंने कैसे बनाया था, 5 कप आटा ले लें या मैदा ले लें या दोनों मिक्स कर लें, और उसमें 4.5 टीस्पून ईस्ट और 2 टीस्पून शुगर, सॉल्ट 2 टीस्पून, और ऑयल जो है वो 2 टेबलस्पून है। आप और उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। पानी जो है वो 2 कप आप ले लें तो बहुत अच्छा आपका डो तैयार हो जाएगा। और टेम्परेचर जो है 232 सेंटीग्रेड और 15 से 20 मिनट प्रीहीट ओवन में रखें, बेकिंग टाइम। अच्छा, ये देखिए, ये आप लोग जो देख रहे हैं ना, नई चीज़ यही है पिज़्ज़ा में कि मैंने उसके अंदर ये स्वीट पेपर जो है वो यूज़ की है। मैंने इसमें कैप्सिकम यूज़ नहीं किया है, बेल पेपर यूज़ नहीं की है। तो इसके अंदर पानी की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है। ये स्वीट पेपर बहुत मज़ेदार होती हैं, आप लोग इस्तेमाल करके देखें। पिज़्ज़ा में बहुत ही मज़े की लग रही थी मैंने इस बार पिज़्ज़ा के अंदर ये एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉमन है, बहुत अच्छी मिल जाती हैं, आराम से मिल जाती हैं, हर जगह मिल जाती हैं। बल्कि आप लोग हैरान होंगे, एक बार मैं दुबई भी ले गई थी, ये वहाँ भी मिलती हैं खैर, लेकिन मैं ले गई थी यहाँ से, आप लोग हंसेंगे। खैर, मुझे पसंद है, मैं खाने के साथ भी खाती हूँ इन्हें, और इससे मेरा पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा बना। तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बल्कि मैं पहले भी बहुत दफ़ा पिज़्ज़ा की रेसिपी जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। बना के देखिएगा, इस तरीके से भी बना के देखिएगा। और ये बच्चों के लिए बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज, यहाँ एक बात कहती चलूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।